गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और मुझे पता है कि मैं बहुत दिनों बाद एक यूट्यूब वीडियो शूट कर रहा हूँ, बट मुझे इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड करने थे। लेकिन अगर आपको पता नहीं, मैं बता दूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं सेकेंड ईयर BSc कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। सो उसी के वजह से मेरे पिछले एक दो वीक से थोड़े से असाइनमेंट्स और कल ही मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए। तो इसके बीच मैं ट्रेनिंग सेशंस तो लगा रहा था, बट एक यूट्यूब वीडियो शूट करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। इसी के कारण मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट मैंने पहले वीडियो में कहा था कि मैं हर 3 दिनों में ट्राई करूँगा कि एक वीडियो अपलोड कर पाऊँ, बट ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और इसी के बीच मेरा थोड़ा सा डाइट डिस्टर्ब हुआ है। मैं अपना प्रोटीन गोल हिट कर रहा था, बट कैलोरीज़ मैंने कैलकुलेट नहीं किए। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, बट हम इसी से सीखेंगे और हम हमारा कट 1 वीक के लिए एक्सटेंड करने वाले हैं, जो कि होगा 6 वीक्स। मैंने प्लान किया था कि मैं ये कट 5 वीक्स के लिए करूँगा, बट हमारा पिछला वीक थोड़ा सा वेस्ट गया। मैं वेस्ट तो नहीं कहूँगा, बट आप समझ लो। तो देखते हैं, और मैं ट्राई करूँगा कि अगले 2 वीक्स में एटलीस्ट 3 या 4 वीडियोस आएंगे। तो स्टे ट्यून्ड। बात करते हैं हमारे आज के बॉडी वेट की। जब हमने कट स्टार्ट किया था, हमने 67 kg से स्टार्ट किया था। तो आज मेरा बॉडी वेट है 4 वीक्स के बाद 64.9 समथिंग। तो आज मैंने सुबह एम्प्टी स्टमक ये वेट मेजर किया था या वे किया था। हम ऑलमोस्ट 4 वीक्स के लिए एक कैलोरी डेफिसिट में हैं और हमारे पास और 2 वीक्स है। तो इन 2 वीक्स में हम थोड़ा सा एग्रेसिव जाएंगे, हमारे स्टेप्स थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे और देखते हैं कैसे जाता है। और अभी हम ये वीडियो गार्डन में रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे व्यू थोड़ा अच्छा होता है। तो अभी हम जिम जाएंगे और आज हम एक बैक डे लगाने वाले हैं। तो बैक डे पे भी थोड़ा सा हम स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। तो देखते हैं आज वेटेड पुलअप्स का सेट कैसे जाता है। तो आज का बैक डे एज़ यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे वेटेड पुलअप्स के साथ। और वेटेड पुलअप्स के पहले हम एक बॉडी वेट से एक वार्म अप सेट करेंगे, फिर उसके बाद हम 10 kg का प्लेट बेल्ट लगाकर हम पहला सेट करेंगे, जो कि होगा स्ट्रेंथ फोकस्ड। और पिछले बार मुझे इसी वेट के साथ 7 रेप्स मिले थे, तो इस बार ट्राई करेंगे कि 8 मिले। और हमारे साथ करण भी है आज, सो वो स्पॉट करेगा। तो देखते हैं कितने जाते हैं। तो फर्स्ट सेट होगा हमारा 10 kg के साथ। तो मैं इसी वेट के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, होपफुली इसके अगर 12 रेप्स जाते हैं अगले 2-3 ट्रेनिंग सेशंस में तो हम वेट को इंक्रीज़ करेंगे। तो हमारा वर्टिकल पुल का एक सेट हो गया है, जो कि था वेटेड पुलअप्स, और हमें 8 रेप्स मिले, वो भी करण के वजह से। लेकिन 8 रेप्स हम सेल्फ ट्राई करेंगे अगली बार। तो वर्टिकल पुल की सेकेंड मूवमेंट हो गया हमारी पीछे लैट पुल डाउन, और इसके हम 2 सेट्स करेंगे, फिर हम मूव ऑन हो गए हमारे रोइंग के ऊपर। और मैं आजकल रोइंग का एक नया वेरिएशन ट्राई कर रहा हूँ, वेरिएशन नहीं लेकिन ग्रिप दूसरा यूज़ कर रहा हूँ। सो लैट पुल डाउन के 2 सेट के बाद आपको वो सेट भी दिखाऊंगा। तो देखते हैं लैट पुल डाउन पे हमें कितने रेप्स मिलते हैं और टाइम अंडर टेंशन कितना होता है। तो जो ग्रिप की बात कर रहा था,
ये है वो ग्रिप, इसे आई गेस मैक ग्रिप कहते हैं। तो मैंने इसके साथ पिछले ट्रेनिंग सेशन में एक सेट लगाया था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे पूरे बैक में फील हुआ। तो इसके साथ हम थोड़े दिन के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे और आज मैं इस मशीन पर कर रहा हूँ। हर बार मैं यहाँ पर एक सेटअप लगाता हूँ और उस पर अपने नॉर्मल न्यूट्रल ग्रिप के साथ लगाता हूँ, बट इसमें थोड़ा सा मज़ा आ रहा है। सो ये एक हॉरिजॉन्टल पुली है, सो हम उसी के द्वारा परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट सेट, तो हमारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पुल के सेट्स हो गए और हमारा बैक यहाँ पे खत्म होता है। तो अब हम इसके 3 सेट करेंगे रेल डेल्ट के लिए और 3 सेट खत्म होने के बाद हमारा पूरा बैक और रेल डेल्ट का डे खत्म हो जाएगा। अभी हम घर पर आ चुके हैं और हम बनाएंगे अपना पोस्ट वर्कआउट मील जो कि होगा हमारा ओट मील, जिसकी रेसिपी मैंने पिछले वीडियो में शेयर की थी। लेकिन आज की इस वीडियो में मुझे आपको दिखाना है कि मैं किन फूड सोर्सेस से अपना प्रोटीन गोल हिट करता हूँ। और बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो बनाऊँ, तो वो मैं जल्दी बनाऊँगा। और आज के लिए मैं आपको बताऊँगा कि मैं किन फूड सोर्सेस से अपना प्रोटीन गोल हिट करता हूँ। तो सबसे पहला लिस्ट पर आता है जो कि है पनीर, और इसे मैं रोज़ 100 ग्राम कंज्यूम करता हूँ। लेकिन इससे थोड़ा कैलोरी मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट हम कर लेते हैं। तो ये है सबसे हाई क्वालिटी प्रोटीन अगर आप वेजिटेरियन हो तो। और सेकंड नंबर पे आता है हमारा टोफू, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो ये पनीर जैसा ही है बट टेस्ट थोड़ा सा अलग करता है, तो आप इसे पनीर जैसे यूज़ कर सकते हो। और आज मैं बहुत दिनों के बाद ये सोया चंक्स यूज़ करने वाला हूँ अपने डाइट में। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा डिबेट करता था, बट मैंने बहुत सारे लोगों से इसके बारे में अच्छी चीज़ें सुनी है जो एक्चुअली यूज़ करते हैं और जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ, उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए। तो हम भी अपने बॉडी के ऊपर इसे एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसे मैं रोज़ 30 ग्राम्स यूज़ करने वाला हूँ और देखूँगा कि मेरा डाइजेशन डिस्टर्ब होता है या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे क्वान्टिटी बढ़ाता जाऊँगा। लेकिन हम इसे ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे। और एक चीज़ मैं भूल गया जो कि है दही, अभी फ्रिज में नहीं है, मैं रिस्टॉक करने जाऊंगा। तो दही मैं एज अ प्रोटीन सोर्स और एज अ प्रोबायोटिक यूज़ करता हूँ क्योंकि उससे अपना डाइजेशन अच्छा होता है। तो यही सारे फूड सोर्सेस हैं। और ओट्स भी हमारे हाई प्रोटीन होते हैं, मैं मसल ब्लेज या अल्पिनो की यूज़ करता हूँ, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो इससे मेरा प्रोटीन गोल हिट हो जाता है, जो कि मैं अभी मेरा बॉडी वेट रिसेंटली अभी मेरा बॉडी वेट चल रहा है 65 के अराउंड, तो मैं 130 ग्राम्स रफली कंज्यूम करता हूँ। तो अभी हम अपना पोस्ट वर्कआउट मील बनाएंगे और आपको मिलता हूँ गैरेज में। मैं अपनी बाइक लेकर जा रहा हूँ गैरेज और बहुत दिनों से मैंने अपनी बाइक भी नहीं दिखाई वीडियोज़ में। तो अभी इसके बाद मैं
पोस्ट वर्कआउट मील बनाऊंगा और आपको सीधा मिलता हूँ गैरेज में। पण टाकलेला खात नाही परिस्थिती वाईट तरी मन मारून राहत नाही नात्यांचे धागे जोडून किशानी फाटलाय मैदानी खेळ खेळून चिकला आणि माकलाय मी पुस्तक पण वाचतो नि रस्ते पण जाणतो।